तो सबसे पहले इसका एलिमेंट बनाकर तैयार करना होगा। इसका एलिमेंट बनाने के लिए मैं इस लकड़ी का यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले इसके अंदर एक होल कर लेते, तो चलिए मैं इसके अंदर एक होल कर लेता हूँ। तो मैंने इसके अंदर होल कर लिया है, मुझे इसके अंदर से एक टुकड़ा काट कर अलग करना है, तो मुझे छोटा सा टुकड़ा काट कर अलग कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसके किनारों को सैंड पेपर से घिसकर गोल कर लिया है। अब मुझे इसके अंदर नाइक्रोम वायर लगाना होगा, तो चलिए मैं इसको भी फिट कर लेता हूँ। अब इस तरह का नाइक्रोम वायर लेकर उस होल के अंदर हमें इसको डाल देना होगा। आप सोच रहे होगे कि लकड़ी जल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लकड़ी नहीं जलेगी। आप चाहो तो इसकी जगह गीली लकड़ी का यूज कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ा सा धुआं निकलेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, तो लकड़ी जो आपकी नहीं जलेगी। फ्रेंड, आप चाहो तो इसके पीछे के हिस्से में एम सील भी चिपका सकते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़रा टाइट है, निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड देख सकते हो शुरुआत में धुआं निकलेगा, लेकिन बाद में धुआं निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जमा हो जाएगा। तो ये एक दिवाली तो आपकी आराम से निकाल देगी, और लकड़ी भी काफ़ी अच्छे से काम करेगी, इतनी आसानी से जलेगी नहीं। अब आपको पीवीसी पाइप के इस तरह के टुकड़े काट कर एक डिब्बा जैसा बनाना होगा। ये डिब्बा आपको अपने बैटरी के हिसाब से बनाना होगा, आप एक बैटरी लगाना चाहते हैं या दो लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बनाना होगा। चलिए मैं इसको बनाकर तैयार कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया। तो एक उसी तरह का डब्बा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके दोनों अंदर मैंने पत्तियां लगा दी, और हमारी बैटरी जो इसके अंदर आराम से फिट आ जाएगी। मैं दो बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो एक बैटरी का भी यूज कर सकते हो। अब इस तरह का एक टुकड़ा काट लेंगे, और ऑन ऑफ के लिए एक पुश बटन लगा देंगे, और इस टुकड़े को बैटरी के ऊपर लगा कर फेविक से चिपका देंगे। तो फ्रेंड ये कुछ हद तक बनकर तैयार हो चुका है, और मैंने वायरों का कनेक्शन इस तरीके से कर दिया है, क्योंकि मेरी सोल्डिंग आयरन ख़राब हो चुकी है। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, और आपके पास अगर सोल्डिंग आयरन है तो सोल्डिंग भी कर सकते हो। और मैंने जो शुरुआत में एलिमेंट बनाया था उसको भी इसके अंदर जो फिट कर लेता हूं। तो फ्रेंड इस तरीके से पटाखों को इसके अंदर लगाकर आप उसको कहीं पर रख दीजिए, और बटन दबाने पर ये काम करेगा, तो आप पटाखों से काफ़ी दूर रहोगे, तो सेफ भी रहोगे। तो इस दिवाली पर आप इस तरह का एक बना सकते हो, और आप इससे हर तरह की चीज़ जला सकते हो, पटाखा रॉकेट हर चीज़ जला सकते हो उससे। तो चलिए फ्रेंड्स की टेस्टिंग करके देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है, कैसा काम करता है। तो शुरुआत में जलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि नाइक्रोम वायर गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया रंग से काम कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं, एक और पटाखा लगा कर देखते हैं इसके अंदर।
फ्रेंड आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपको बटन वटन लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बैटरी से भी यूज़ कर सकते हो। और आप इसको अगर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बनाओगे तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आएगा, तो आप वो भी बना सकते हो। लेकिन ये काफ़ी जल्दी है सरल तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तो इस दिवाली पर इस तरह का बनाकर आप यूज कर सकते हो, इससे आपको पटाखों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर से करके जाना ही जाना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में मिलूँगा आपसे।